सो लो दोस्तों, कैसे आप लोगों में बहुत अच्छे होंगे। तो आपको दोस्तों रोज रोशा लेकर आ गया मेरा एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने में मिलने वाली है, और थोड़ा सा वार्निंग देना चाहता हूं मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इसमें मीट मैंने दिखा रखा है वीडियो में। तो जो दोस्तों जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है मीट देखने में, है ना, कट करते हुए या फिर मीट देखने में, तो प्लीज वो इसे स्किप कर सकते हैं वीडियो को। बाकी दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखा रखा है मीट मार्केट, है ना, चाइना का। तो और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली थी, तो आप भी इंजॉय करिए उसे देखकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों देखिए, यह है ब्रिज मार्केट। आपको यहाँ पर सिर्फ मीट ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे मसाले मिलते हैं, आटा मिलता है, मीट तो मिलता ही है, और भाई शूज़ वगैरह भी छोटे मोटे, और भाई ऐसे एक दो दुकानें मिल जाएंगी आपको। दोस्तों ये काफ़ी जो मार्केट है इंडियन मार्केट से मिलती है, जैसे आप दिल्ली विल्ली में जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी मार्केट्स आपको काफ़ी मिलती हैं। दोस्तों इसमें यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह भी मिलती हैं, मतलब कन्फेक्शनरी भी है यहाँ पर। देखिए ब्रेड्स है ये, दोस्तों ये ब्रेकफास्ट में खाते हैं चाइनीज़ लोग। ये देखिए यहाँ पर आप ये देख ही सकते हैं सारी चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, ये मीट रखा है, और ये मसाले आ गए हैं आपके, मसाले की दुकान है। आपने काफ़ी इंडिया में थोड़ा इंडिया की फील आई होगी, तो हर जगह दोस्तों मार्केट एक ही जैसी होती है, मतलब चाइना में तो मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे हलाल मीट मिलता है। ये हमारे सीनियर्स ने हमें बता रखा है दोस्तों, ये भी मीट है ना, ये पता नहीं किस किस चीज़ का मीट है, पर ये हलाल नहीं है, है ना। तो दोस्तों ये हमने इन अंकल से पूछा था कि हलाल मीट कहाँ पर है, तो उन्होंने हमें डायरेक्शन बताई है ना, तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कहाँ पर हमें हलाल मीट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो सामने वाली दुकान है, हमें फिर पता लगा कि हलाल मीट है, क्योंकि इन्होंने अपने जो शॉप है उस पर एक निशान लगा रखा था। ये देखिए, ये हलाल मीट का निशान है यहाँ पर, तो जिस दुकान में ये लगा हुआ होगा तो वो हमें हलाल ही दिख जाएगी। तो हम पूछते भी हैं सबसे कि हलाल है या नहीं, सब दुकानों में ये नहीं लगा रहता है। तो इनके पास चिकन नहीं था, तो हमने पूछा कि चिकन मिल जाएगा क्या इन वाले अंकल से, तो हलाल है कि चिकन यहाँ मिल रहा था, बट इन्होंने हमें मना कर दिया। देखिए आप देख ही सकते हैं, तो सानिध्य भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ आए, ये मीट नहीं खाते हैं बट ये हमारे साथ आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं आपको, और देखिए यहाँ फ्रूट, ये भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। ये देखिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब खाने का आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये पता नहीं क्या है, तो ये वेजिटेबल्स वगैरह हैं, आप भी मेरी नज़रों से देखिए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी थोड़ा अलग ही लग रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई थी ना यहाँ पर, जो आपने भी कभी नहीं देखी। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं यहाँ पर, ये पता नहीं क्या है यहाँ पे, ये पिस्ता है आपका, ये पता नहीं क्या है, ये मूँगफली है, ये देखिएगा ये आपके टोमेटो हो गए हैं, ये पता नहीं क्या है दोस्तों, ये देखिए स्ट्रॉबेरी। तो ये यहाँ पे सब कुछ आपको खाने का मिलता है, काफ़ी ठीक रेट पे मिलता है, तो इस मार्केट में इसलिए आए थे सुबह को उठकर हम। दोस्तों देखिए मीट तो आपको हर दूसरी जगह मिल जाएगा। दोस्तों फिर हमें मिला ये वाली दुकान जहाँ पर ये हलाल मीट मिल रहा था और चिकन मिल रहा था, मेन बात ये है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीफ थोड़ी ज़्यादा चलती है, पोर्क थोड़ा ज़्यादा चलता है, बट यहाँ पर हमें हलाल मीट मिला। देखिए दोस्तों ये मीट ही मीट है, पर ये हलाल है सारा का सारा इनके पास, है ना। तो हमने पूछा कि भाई हलाल आप दे देंगे क्या, और हमने कहा इतना चाहिए, तो इन्होंने कहा हाँ भाई हमारे पास हलाल है, और आप देख सकते हैं कौन सा लेना है आपको। तो हमने देखा, तो हमें जो भी चाहिए था हमने उठवा लिया है उनसे, है ना। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है सब देखने में, तो स्किप कर सकता है वाला पार्ट, तो हम उन्हें ट्रांसलेट कर बता रहे थे सब कुछ, है ना। तो उन्होंने हमने 2 kg कहा, तो उन्होंने 2 निकाल के रख दिए थे, पर हमने कहा बस हमें एक ही चाहिए, है ना। तो उन्होंने 1 लाए और वो वेट करने लग गए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। दोस्तों मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ कि जिसे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो इसे स्किप कर सकता है पार्ट को, है ना। तो ये वाली बात हो जाती है, वो बार बार वेट कर रहे हैं, उन्हें आइडियल वेट नहीं मिल रहा था। हम कह रहे थे उन्हें 2 kg चाहिए, उन्हें लग रहा था कि 2 पूरे पीस मिलेंगे, तो वो मना कर रहे हैं कि भाई आपको पीस ही लेना पड़ेगा पूरा, है ना। तो ये वाली बात हो जाती है, तो हमने कहा भाई एक ही पीस दे दी। तो दोस्तों फिर मैंने चिकन ले लिया था, फिर मैं दूसरी दुकान पर आ गया, मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया, तो बस ना, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा ट्रिगर हो सकते हैं वो ना, क्योंकि सब लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं इंडिया में, तो इस वजह से। तो दोस्तों फिर हम आ गए थे ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए थे। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सोचा है थोड़े अखरूट ले लिए जाएँ, थोड़े वॉलनट्स ले लिए जाएँ,
तो हमने यहाँ के रेट पूछे तो काफ़ी सही रेट थे। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि 40 युआन पर केजी। तो दोस्तों 40 युआन आप गूगल पे लिख के देख सकते हैं कितना रेट चल रहा है इंडिया में। तो लगभग 450 या 500 के करीब आपको पड़ जाएगा यहाँ पर। वो देखिए मैं हाथ दिखा रहा हूँ कि भाई उन्हें उनको काम है कि वो चाहिए मुझे वॉलनट्स चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके। तो ये दोस्तों एक और चीज़ बता दूं मैं, जो चाइना में ना जैसे इंडिया में 1 kg रेट होते हैं, पर यहाँ पे 500 ग्राम के हिसाब से रेट लगाते हैं। तो उन्होंने हमें 221 पर 500 ग्राम बताया था। तो हमने कहा कि भाई हमें 500 ग्राम दे दिए, तो इन्होंने 21 के दिए थे। तो 41 पर केजी आपके हिसाब से मिलता है वहाँ पर। और क्या कहते हैं, बादाम भी इंडिया से सस्ते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हम थोड़े फिर आगे चले, हमने और देखना था क्या क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ सी फूड भी मिलता है, आप देख सकते हैं ये आपकी फिशेज वगैरह मिल जाएंगी यहाँ पर। तो देखिए फिश वगैरह हैं ये, आप अपना देखिए, ये भी फिश, हर जगह फिश, सी फूड मतलब हर चीज़ फिश नहीं है, ऑक्टोपस वगैरह। तो ये वाली बात हो जाती है। और दोस्तों काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा, एग्स भी मिल जाएंगे यहाँ। तो दोस्तों मुझे काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भाई यहाँ पे सांप वाँप भी खाते हैं या फिर कुत्ते बिल्ली वगैरह, मतलब इंडिया में यही पूछते हैं। तो दोस्तों मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि शायद खाते होंगे, पर इस मार्केट में, मतलब जो मेन मार्केट है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सब कुछ देखा है, है ना। तो ये वाली बात हो जाती है, शायद उसके लिए कुछ अलग मार्केट होती हो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा बेकरी भी होती है, तो हमने बेकरी देखी है, ये वाली है। तो हमने शायद डोनट्स लिए थे यहाँ से, है ना, ये काफ़ी शानदार यहाँ पे, मतलब दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर फिर हमने खाया भी था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी ऐसी ही बात होती है, इन्होंने रेट्स लगा रखे हैं 21 के 4, मतलब ये देख सकते हैं रेट कार्ड ही हैं इनके ऊपर। बाकी देखिए ये इनकी मिठाई कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर मिठाई नहीं होती है, तो ये बेकरी में ही सब कुछ ये ब्रेड्स वगैरह से ही बनाते हैं सब कुछ वाली बात हो जाती है। तो फिर दोस्तों हम देखिए कि फ्रोज़न वेजीज़ हैं और फ्रोज़न फ्लावर्स वगैरह थे यहाँ पर, जो कि ये अपने खाने में डालते हैं, है ना। फिर दोस्तों हम थोड़े आगे गए और ये देखिए क्या चीज़ है, ये मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी क्या चीज़ है, पर आप देख सकते हो थोड़ा डिस्गस्टिंग सा है, बट चलिए ये भी सी फूड ही लग रहा था मुझे। देखिए थोड़े दोस्तों ये भी कुछ अजीब सी चीज़ें। और दोस्तों ये देखिए आटे की शॉप यहाँ पर ऐसी होती है ना। तो हम अंदर गए, हमने आटा ले लिया था। दोस्तों यहाँ पर आटा मिलता है 28 युआन का, 5 kg मिलता है लगभग। तो आप, तो दोस्तों ये था मेरा ब्रिज मार्केट का एक्सपीरियंस। और ब्रिज मार्केट में आपको सब कुछ मिलता है, सिर्फ मीट ही नहीं मिलता, आपको वहाँ पर फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, मतलब खाने का सारा फूड आइटम सब कुछ मिलता है। आप वहाँ जाकर अपने आराम से सब कुछ ले सकते हैं, है ना, और मज़े करिए, एक ही मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। इंडिया में भी ऐसी काफ़ी सारी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी मुझे मार्केट इंडिया से, बट कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको, आपने वीडियो में देखी हो, तो थोड़ा सा अजीब सी चीज़ें थी जो मैंने आपको, मुझे भी अजीब लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ का ब्लॉग बना लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ब्लॉग, और जो भी सजेशन होते हैं मेरे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और इसे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है मुझे और रीच भी ज़्यादा बढ़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और मिलते हैं जल्द से जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।